पहले दोस्तों, आज मैं एक नंबरिंग ऐप का एनिमेशन बनाने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप भी कुछ ऐसा कुछ बना सके, आपको काम आ सके इस ट्यूटोरियल की वजह से, आप कुछ एनिमेशन कर सके। तो वीडियो पर इतना लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो ब्लंट सीख सके कोई भी हिंदी लैंग्वेज में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आएगा तो। तो चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं एक नंबर वाला एंड डिजिटल और वो भी एनिमेशन। तो अब मैं पहले सबसे पहले इन सबको डिलीट कर लूँगा और कीबोर्ड स्क्रीन कास्ट ऑन कर लूँगा, ताकि आप सभी को पता चलता रहे मैं क्या क्या दबा रहा हूँ एंड प्रेस कर। ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल एक तो नंबर बना लेता हूँ। उससे पहले शिफ्ट ए करा मैंने और एक यहाँ पे मैंने डिलीट किया, मैंने शिफ्ट ए करा और मैं से मैंने क्यूब ले लिया। टॉप पे आऊँगा और इसका साइज़ ऐसे कर दूँगा, छोटा कर दूँगा और साइज एक्स में बड़ा, और टैब में आऊँगा और कंट्रोल आर लगाऊँगा और 2 लगाऊँगा, और इसका साइज़ जो है मैं एक्स की वैल्यू में इसका ऐसे बढ़ा दूँगा कुछ इतना, और अल्ट जेड से करता हूँ और एजेस में आता हूँ। इसको सिलेक्ट करा मैंने और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर, और साइज वाई की एक्स की वाई की वैल्यू में इसको मैंने ऐसा छोटा कर देना है। ठीक है, अब ये करता हूँ और साइज वाई में और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे साइज साइज जेड में और छोटा और छोटा, टैब अल्ट जेड से बाहर। ठीक है, अब मैंने ये लगा लिया और अब मेरे को क्या करना है, इसको कॉपी करना है। शिफ्ट डी करा, वाई करा, मैंने इसको यहाँ लगा लिया और इसको करा और शिफ्ट डी करी एक्स की वैल्यू, मैंने इसको मैंने यहाँ लगा लिया। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और जी करके वाई करके यहाँ करूँगा। अब इन दोनों को शिफ्ट डी करूँगा और आर जेड 90 डिग्री मूव, और जी करके मैं इसको यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँ और इसको सिलेक्ट करा, जी करके मैंने इसको यहाँ रखूँगा और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डी करके एक्स की वैल्यू मैंने इसका यहाँ रखना है, दोनों सेलेक्ट और जी करके यहाँ से सिलेक्ट करा, शिफ्ट डी करा वाई की वैल्यू में इसको मैं यहाँ रखूँगा और इन दोनों को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डी करके एक्स की वैल्यू मैंने इसको यहाँ रखना है, और शिफ्ट डी करके एक्स की वैल्यू मैंने इसको यहाँ रखना है। शिफ्ट अब इन सबको सिलेक्ट करूँ और शिफ्ट डी करें जेड वाई, इसको यहाँ रखूँगा मैं। ठीक है, शिफ्ट डी करा एक्स की वैल्यू मैंने इसको यहाँ रख लिया। ठीक है, अब इन सबको सिलेक्ट करा और जी करके मैं इसको रखूँगा यहाँ, शिफ्ट ए करा मैंने और एक प्लेन लिया और इसको साइज में कर लूँगा बड़ा। ठीक है, इतना जी करा जेड करा यहाँ रख दिया, जी करा जेड करा यहाँ रख दिया। मटेरियल प्रीव्यू में आऊँगा मैं यहाँ पे और इसको मैं कलर दे दूँगा, मैंने कलर दिया, और इसका जो है मैं मेटैलिक बढ़ा लेता हूँ, तो जो रफनेस है वो भी कम कर लेता हूँ, कम कर लिया मैं। टॉप पे आता हूँ और अभी तो मैं सिंपल इस एक को सिलेक्ट करता हूँ और इधर कलर लगाता हूँ। यहाँ पे मैं कलर जो है लगाऊंगा इमिशन वाला लगाऊंगा, ये यहाँ पे प्रिंसिपल PHDF में इमिशन वाला, और इसका लाइट कर दूंगा कुछ वाइट ही रहने देते हैं, हल्का सा ब्लू ट्रेंड बढ़ाऊंगा मैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो कलर है ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा इसमें और यहाँ पे ब्लूम करके एक ऑप्शन में या तो ये ब्लू होगा तो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। तो इसके मैं शेडर बनाता हूँ और इसको मैं वैल्यू और बढ़ाऊँगा तो इतना आ जाएगा, कम से कम मैं इसको 50 रखूँगा तो इस तरीके से चलेगा। तो ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ इन सब पे यही वाला जो है कलर ऐड कर लेता हूँ। इनको ऐसा सेलेक्ट करा मैंने, डी प्रेस करा और इसको डी सेलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और अभी मेरा जो मेन है ये इस वाले कलर को हमें इस पर लगाना है, तो मेरा जो मेन है वो येलो वाला ये रेंज है, बाकी सारे ऑरेंज। तो जो येलो होगा उसके मटेरियल उस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा एक लिंक, लिंक ट्रांसफर डाटा ये रहा, और लिंक मटेरियल मटेरियल है तो लिंक मटेरियल, तो ये जो हमारा कलर है ये पूरा इस पर लग चुका है। तो अब जो है एनिमेशन कुछ इस प्रकार से करनी है हमें कि ओफो क्या लाइट है, कम 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 कर लिया मैंने। ठीक है, अब जो है
इसको मैं ना एक वो कर लेता हूँ, एनिमेशन कर लेता हूँ इसकी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इसमें, और शेप की मैं एक बार प्लस करूँगा, बेसिक्स बन जाएगा हमारा बेसिस, और एक बार प्लस करूँगा तो की वन बन जाएगा। अब मैं टैब पे आता हूँ और मैं फेस मोड पे आऊँगा, और इस वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा स्विफ्ट के साथ इसको, और इसको इसके जी करूँगा, और जेड की वैल्यू में इसको मैं ऐसा करके डाउन कर लूँगा। तो ये मैंने कर लिया, और टैब मोड से बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा ना कि अब जो मेरी है बस मैं वैल्यू से खेलूँगा, तो ये हमारा जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। अब मुझे वहाँ पे टैब मोड में जाके वहाँ ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, एक ये हमारा बन गया, एक शेप की बन गया पूरा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे 1-0 रखता हूँ। तो अब जो हमारी शेप की इस पर बन गया, और बाकी सब हम इस पर करेंगे। तो अब मैं सब पे की फिर की शेप की लगाने से अच्छा मैं इन सबको डिलीट ही कर लेता हूँ। तो अभी डिलीट नहीं करूँगा, और अभी मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले को लूँगा और शिफ्ट एस सेलेक्ट टू कर्सर कर दूँगा, और इसको अब डिलीट कर दूँगा। अब इसको करूँगा और शिफ्ट डी करूँगा, और शिफ्ट एस सेलेक्ट टू 3D कर्सर। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये, तो अभी आ गया। तो अब जो है हमारा जो शेप की इस पर भी आ जाएगा, मतलब यही चीज़ इसी भी कॉपी होता है, हो गया हमारा। ठीक, तो ये अभी हमारा दोनों एक जैसा बन गया। तो अभी मैं इस यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ कि इस पर की एक शेप की बना लेता हूँ, इस पर शेप की प्लस के बेसिस पे क्लिक कर और टैप पे गया, और ये एक सिलेक्ट करी कर एक ही करा एक, और जी करके रेड करके इसको डाउन कर दिया, टैप से बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, ये हमारा हो चुका। तो अब इसको सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट एस सेलेक्ट टू 3D कर्सर, यहाँ कर दूँगा टैप से ये डिलीट से डिलीट, और शिफ्ट डी करूँगा और एक बार चार्ट क्लिक कर छोड़ दूँगा, शिफ्ट एस दूँगा और सिलेक्ट टू 3D कर्सर। तो एक तो ये हमारे चारों बन चुके। ठीक है, तो अब इसको 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 कहने का मतलब ये है कि सबको, और शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट, अब बी करके शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करूँगा और डी सेलेक्ट हो जाएगा वो, अब इसको डिलीट। तो हमारा लग चुके हैं ये सब, ये हमारे की फ्रेम असली वाले। शिफ्ट डी करूँगा और वाई की वैल्यू में इसको मैं यहाँ गिरा दूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी करके वाई की वैल्यू में इसको मैं यहाँ गिराऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा करके भाई गिरा दूँगा। अब जो है इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा इसको इसको, और शिफ्ट डी करके वाई के वैल्यू में इसको यहाँ गिरा दूँगा, हमारा हो चुका है। इसको ऐसे पूरा सेलेक्ट, बी प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ इसको डी सेलेक्ट, शिफ्ट डी करा मैंने एक्स करा यहाँ रख दिया इसे, शिफ्ट डी करा एक्स करा यहाँ रख दूँगा, जी करा एक्स के यहाँ, शिफ्ट डी एक्स और शिफ्ट डी एक्स जी एक्स। अब इन सबको सिलेक्ट, डी शिफ्ट के साथ इसको डी सेलेक्ट, शिफ्ट डी वाई यहाँ कर दिया मैं, जी करके वाई, और अभी हमारा हो चुका है। ठीक है, सब में लग चुका है। अब का बात आई है एनिमेशन के, तो अभी जो है मैं टॉप पे आता हूँ, और अभी आप यहाँ से देखते हैं कि सब कुछ बन सकता है हमारा। तो अभी मैं की फ्रेम का मसला चालू करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आया, इसको मैं टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ, और अब जो है मैं यहाँ पे पहले, अभी जो है ना हमारा जो नंबर ना जो ब्लिंक होगा, फिर उसके बाद एक तो पहले तो चलेगा फिर उसके बाद ब्लिंक होगा। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू में आगे मैंने एक की फ्रेम लगाया, अब 1 2 3 4 5 6 पे आ गए। अब इसकी मैं वैल्यू ऐसे बढ़ा दूँगा और एक की फ्रेम लगा दूँगा, एक की किंग वाला मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरे को बड़ा बड़ा ऑन करना पड़े। अब मैं आऊँगा दोबारा 1 पे, और अभी हम बना रहे हैं 2, तो इसको सेलेक्ट करा मैंने, और यहाँ पर मैं एक लगाऊँगा और 1 2 3 4 5 6 पे आ गए। अब मैं इसको बढ़ा दूंगा, की फ्रेम अपना आप लग जाएगा ऑटो वाला। अब हम 1 2 3 4 5, अब इसको करेंगे, इसको मैंने करा यहाँ से की फ्रेम ऑन, और एक आऊँगा 1 2 3 4 5 और 1 करके छोड़ दूंगा। ठीक है, इस पर आया 1 2 3 4 5 आया। ठीक है, अब ठीक है मैंने यहाँ करा 1 2 3 4 5 वैल्यू करके मैंने इसको ऐसा बढ़ाया कि फ्रेम लगा दिया। ठीक है,
तो अब जो है हमारा दो बन चुका है, तो दो बना फिर वो आठ बना, अभी छः बनेगा, तो बन पाया मैं। और मैं इसको छः बनाने के लिए इन दोनों को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे मिलाऊंगा की फ्रेम, एक दो तीन चार पाँच, और इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा यहाँ पे की फ्रेम ला दूँ, फिर वापस वन पे आऊँगा और इस पर सेलेक्ट करूँगा एक की फ्रेम, यहाँ एक दो तीन चार पाँच, इस पर की फ्रेम लगाऊँगा वन, और यहाँ पे ला दूँगा यहाँ। ठीक है, ये हमारा छः बन गया, छः दो आठ छः, और ये बन जाएगा पाँच। तो पाँच ऐसा कुछ ऐसा होता है इस तरफ से, सॉरी। तो अब मैं एक दो तीन चार पाँच की फ्रेम, एक दो तीन चार पाँच और वन पे लगा के की फ्रेम दो तीन चार पाँच। ठीक है, अब यहाँ पे की फ्रेम एक दो तीन चार पाँच, की फ्रेम की वैल्यू वन एंड की फ्रेम लगा दी। ठीक है, अभी हमारा ये रह जाएगा एक दो तीन चार पाँच, ये की फ्रेम एक दो तीन चार पाँच, और ये की फ्रेम यहाँ टड़ी। अब एक को वापस, अब इस वाले पे करा और एक की फ्रेम वाला लगाया एक दो तीन चार पाँच, और ये लगाया और ये। ठीक है, तो दो आठ छः पाँच चार, चार बना थे इसे, इसलिए करा और एक लगाया एक दो तीन चार पाँच, वैल्यू वन यहाँ पे की फ्रेम एक दो तीन चार पाँच, इसलिए करा की फ्रेम लगाया मैंने एक दो तीन चार पाँच, और वैल्यू वन लगा दिया। ठीक है, अब इसको गैप करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ये लगाया एक दो तीन चार पाँच, इसको लगाया और इसकी वैल्यू है, इसको कर देते ना हम, तो वैल्यू लगाया एक दो तीन चार पाँच, लग रहा यहाँ पे लगाया, एक बोर हो गया मैं, और इसकी वैल्यू है यहाँ। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, इसके यहाँ एक की फ्रेम यहाँ लगाया एक दो तीन चार पाँच, वन की फ्रेम। ठीक है, दो आठ छ पाँच चार तीन, यहाँ पे आऊँगा पे एक की डॉट लगाया एक दो तीन चार पाँच, और इसकी वैल्यू वन, टर्निंग एक दो तीन चार पाँच पे लगाया, वन एक दो तीन चार पाँच, वैल्यू वन, टर्निंग एक दो तीन चार पाँच। अब इस पे की फ्रेम एक दो तीन चार पाँच, वैल्यू बढ़ा दिया। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, इस पे आया की फ्रेम लगा एक दो तीन चार पाँच, वैल्यू यहाँ लगा दिया। ठीक है भाई, दो आठ छः पाँच चार तीन बन गया हमारा। तो ये जो है हमने इसका कलर वलर चेंज कर लिया, और अब मैं प्ले करूँगा इसका, तो ये देखिए किस तरीके से नंबर जो है हमारा पूरा ब्लिंक हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं नंबर, जिसमें डिजिटल मीटर होता है उसमें एक ऐसे नंबर कर सकते हैं, जितने भी वैल्यू आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये थी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसको बनाने में कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा कैसे करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तक के लिए बाय बाय।